दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, दिल में खुशी है और आंखों में जुनून है। ऑन पैसिव के धुन में रहने का एक अलग ही सुकून है। जिंदगी में कभी कभी किसी चीज के लिए डिसीजन लेना बड़ी मुश्किल होता है और कभी कभी वही मुश्किल डिसीजन एक दिन पूरी तरह से जिंदगी बदल देता है। मिला तो अभी भी हमें कुछ भी नहीं है ऑन पैसिव से, एक फाउंडर पोजिशन के अलावा। अभी भी हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो सालों से जीते आए हैं। फिर भी किसी करोड़पति से कम गुमान नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि बस कुछ ही दिनों बाद हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है, हमारा नाम कितना फेमस होने वाला है पूरे देश दुनिया में। 2023 के तीसरे महीने मार्च में और 3 दिन रह गए हैं। सभी फाउंडर्स बैक ऑफिस में नए पॉपअप के दीदार होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें मैसेज हो इकोसिस्टम में वो कनेक्ट के मर्ज होने का। फाउंडर्स भी ऐसे ही इंतजार नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे रीजंस हैं। सीईओ द्वारा किए गए अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मार्च में वो कनेक्ट कमर्शियली लॉन्च हो जाएगा। 31 मार्च तक ऐसा नहीं भी होता है तो ऐसी बात नहीं है कि फाउंडर्स पैनिक होने लगेंगे, बट जब तक 31 मार्च बीत नहीं जाता है या बीच में कोई इसके रिगार्डिंग नए इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाते हैं, तब तक तो उन्हें इंतजार रहेगा वो कनेक्ट का। हालांकि दोस्त, भरोसा रखें, होने को होगा तो जो 3 सालों में नहीं हुआ वह 3 दिनों में हो जाएगा। जिसके हम 2-3 सालों से इंतजार करते आ रहे हैं वह 30 दिनों के अंदर भी हो जाएगा। होने को अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब सब कुछ पूरी तरह से तैयार है धरातल पे आने के लिए। दोस्त, जिस तरह के अचीवमेंट हमें मिलने वाले हैं ऑन पैसिव से, उस तरह के कामयाबी के लिए तो कोई कितने साल भी इंतजार कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस मेंटालिटी से सीईओ मिस्टर एस सोच रहे हैं, उसी मेंटालिटी से फाउंडर्स भी सोच रहे हैं। अंतर बस इतना है कि फाउंडर्स जिन समस्याओं से आज तक जूझते आ रहे हैं, वे उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाह रहे हैं। जिस सक्सेस के, जिस अचीवमेंट के, जिस तरह के लाइफ स्टाइल के, जिस तरह के वैल्यू के बारे में वे सुनते आ रहे हैं, बस चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें वह जल्दी से मिल जाए, ताकि हम एक सुकून भरा जिंदगी जी सकें, समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिल सके। आज ऑन पैसिव इस कदर हावी हो चुका है फाउंडर्स के ऊपर कि वे इसके सिवा ना कुछ और सुनना चाहते हैं ना जानना चाहते हैं। एक तरह से उनके रगों में भी ऑन पैसिव ही दौड़ रहा है। खाते पीते सोते जागते हर वक्त बस ऑन पैसिव ही उनके दिमाग में चल रहा होता है। जब भी किसी बड़ी समस्याओं या तकलीफों से घिरे हुए पाते हैं वे अपने आप को, सबसे पहले ख्याल उन्हें ऑन पैसिव का ही आता है। सोचने लगते हैं बस सिर्फ कुछ दिनों की बातें हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑन पैसिव का दीवानगी कुछ इस तरह से छाया है फाउंडर्स के ऊपर कि वे चाह कर भी अब इससे कुछ क्षणों के लिए भी दूर होने के बारे में नहीं सोच सकते। एक एक फाउंडर्स का कितना अधिक भरोसा है ऑन पैसिव पे एंड सीईओ मिस्टर एस पे, इन्हीं सब बातों से कोई अंदाजा लगा सकता है। सब एक जैसे धैर्य रखने की या सबर करने की क्षमता नहीं होती है। बस वे यही चाहते हैं कि हम जिसके लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं, उसका कैसे भी करके अब जल्दी से दीदार हो जाए। वे वो कनेक्ट के पब्लिकली लॉन्च होने का इसलिए इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हम उसे यूज कर सकें, वे तो बस इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बताया गया है कि पेड प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद ही पैकेज वाई होने शुरू होंगे, रेफरल लिंक मिलेंगे, वो केवाईसी होगा, इसके बाद वो वैलेट के खूबसूरत नजारे होंगे। वे बस चाह रहे हैं कि वो कनेक्ट पब्लिकली लॉन्च हो जाता तो इसके बाद के जो भी प्रोसेस हैं वे सभी के सभी शुरू हो जाते। दोस्त, भरोसा रखें, अगर कुछ देर हो रहा है उसमें भी हमारी कामयाबी है, और अगर कुछ जल्दी हो रहा है उसमें भी हमारी कामयाबी है। सीईओ मिस्टर एस जब मार्च एंड अप्रैल को लेकर इतने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं तो उन सब के पीछे जबरदस्त वर्क भी चल रहे होंगे। अभी मार्च भी नहीं बीता है एंड अप्रैल भी नहीं बीता है, भले हमें कुछ पता नहीं चल रहा हो बट बैकेंड पे बहुत सारे काम हो रहे होंगे। आप देख लीजिएगा, हमारे सीईओ हमें बहुत जल्दी बहुत बड़े सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहे होंगे। बस वेट करें, बहुत जल्दी हमें गुड न्यूज मिलेंगे। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।